वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल। आज का ब्लॉग ये है, आज आपको लेके चलेंगे जिरेल के बालाजी, उसका मंदिर दिखाएंगे कैसा एरिया कैसा नहीं है, और उस आसपास का एरिया भी दिखाएंगे। यहाँ के लोग क्या गंदगी ज़्यादा करते हैं, पार्टी करते हैं, हालांकि कचरा डस्टबिन भी डालते नहीं है, गंदगी ज़्यादा करते हैं, उधर कर दी ऐसे कर देते हैं गंदगी, और जलाते भी हैं गंदगी को। और एक बात और, यहाँ फोटो शूट करने के लिए एक नंबर जगह मानी गई है, फोटो शूट के लिए बहुत दुनिया आती है, फोटो शूट करो तो आप एक एक नंबर जगह देख के करना है, ब्यूटीफुल सी जगह, मगर इसका ध्यान भी रखना। सभी को साथियों, आज आपको लेके आए जिरेल के बालाजी। आज आपको दिखाने जा रहे हैं जिरेल का बालाजी का नज़ारा कैसा है कैसा नहीं है, उसका आसपास का एरिया भी दिखाएंगे आप सभी को। आ जाइए, डॉग पाल दे देंगे अभी। चढ़ी निका बच्चा साथियों, कितना ठंडा पानी है, देखो कितना ठंडा पानी, हमको इतने पाँव गल गए हमारे, देखो कितना व्यू मस्त है, यहाँ का व्यू एक नंबर है साथियों, निकाले साथियों, फोटो शूट के लिए एक नंबर जगह भी है ये, जिरेल का बालाजी आया तो फोटो शूट भी करिए, और एक नंबर जगह है, और पानी से थोड़ा ज़्यादा दूर रहिए, मतलब पानी में मगरमच्छ भी रहते हैं इसलिए आप दूर रहना पानी से। देख कितना ब्यूटीफुल सीन आ रहा, देखो देखो वाह साथियों, देखो दोस्त यार, ये आप फाके रहने वाले हो? नाम क्या आपका? निर्मल गुजर। तो यहाँ मंदिर में कितने लोग आते हैं डेली के, यहाँ पे इस जिरेल के बालाजी के? 500 से ज्यादा डेली के मंदिर में लोग आते हैं। पर यह कचरा क्यों फैला देते हैं, ये कचरा फैला रखा है अभी सामने, ये ये क्यों फैलाते हैं लोग बाग? मानते नहीं है। डस्टबिन में नहीं डालते कचरे को? डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन लगा रखा है ना, वो साइड में जैसे जला दे या खड्डा करके जला दिया, तो फिर कैसे नहीं जलाते यहाँ के लोग बाग? अब मंदिर को ज्यादा नुकसान होता है ना, अभी लोग बाग आते हैं, दूर के पर्यटक भी आते हैं देखने के लिए आते हैं इस मंदिर को, तो यहाँ गंदगी बहुत होती है, अटकते वो नहीं है। अगर आपकी जिम्मेदारी हो जाए तो आप करोगे ना कि यहाँ की सफाई कर देंगे? सफाई करोगे ना, आपकी टीम बनाओ, आप भी 6-7 लड़के जोड़ो, छोटे स्कूल के, स्कूलों पढ़ते हो ना आप? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेवती खुर्द में पढ़ते हो ना, तो आप 6-7 लड़के पकड़ो आपके साथ के, उनसे यहाँ के मंदिर की सफाई करवाओ यार, छोटे छोटे बच्चे आप, अगर आप यहाँ करोगे सफाई तो प्रकृति को नुकसान भी नहीं होगा ना अपनी को, अपनी प्रकृति तो वही है ना, यहाँ बहुत बाहर के लोग आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं ना यहाँ पे, अगर अपनी गंदगी करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्या देखेंगे, वो तो ये कह देंगे क्या नाम है कि गंदगी कर रखी है, वहाँ कैसे रहते होंगे लोग बाग, ऐसे करते हैं ना, अब कोई नहाने भी नहीं आएगा इधर नदी में,
नदी में गंदगी होगी तो।